शल्ले आला, शल्ले आले, आलेगी आलेगी वसल्ले वसल्ले। जी कल का जो हमने लेसन पढ़ा था आई होप कि सबको समझ आया होगा आ, ब्रीफ रिव्यू अभी क्योंकि लोग ज्वाइन करेंगे तो जल्दी से कौन देगा? Assalamualaikum warahmatullahi जी कल के क्लास का खास जो आपने बयान था वो आपका वो तोमिक पे था तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे लिए बाद में से टॉपिक है कि इसमें किसी की मतलब बारे में ऐसा ना सोचें बात गुमानी करें ना फिर किसी पे तोमत लगे ना हम किसी की करें तो इससे अगर हम अवॉइड करें तो हम कई चीजों से जो कि ये सब गुनाह में आ जाती है ना गुमान किसी के बारे में गलत ना हो तो मतलब तो हमारा रवैया ऐसा हो कि जैसे हम अपने लिए जाते हैं हमारे लिए कोई बुरी बात ना करे हमें बुरा सोचे ना हमारे लिए तो ये है सोचने की बात और सीखने की भी इसमें कि दूसरे के लिए हम वही पसंद करें तो इस तरह से एक फ्रेंडली सा हमारा हो हर रिश्ते के साथ दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ तो वैसे अल्लाह पाक का ये भी तो हुक्म है कि आप जो किसी का पर्दा रखेगा मैं क्या के दिन उसका पर्दा रखूंगा तो हमें हमारे लिए तो बहुत कुछ है इसके लिए सीखने के लिए और हम इसे बच बच सकते हैं मतलब बहुत से दलाइल की वजह से बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट था कल की का आपने बड़ी खूबसूरती से उसको किया है और असल अच्छा जो चीज़ है कि हमें सबका खैर ख्वाह बनना है हमें किसी का दुश्मन नहीं बनना हम किसी के दुश्मन हो नहीं सकते क्योंकि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है तो भाई अगर मैं समझू या अपनी बहन किसी को समझू इतने करीबी रिश्ते तो मैं कैसे किसी का बुरा चाह सकती हूँ अपने दिलों को हमने साफ रखना है और ये ऐसी चीज है जो हमें बहुत कुत भी देती है और हमारे लिए बहुत आसानी करती है क्योंकि हसद करने वाला किसी के खिलाफ कोई चीज प्लान करने वाला वो अपने ही दिल में अपने ही जंग में इतना जल जाता है कि सबसे ज्यादा ईजा वो खुद को पहुंचा रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत एक्सप्लेन किया है अल्लाह ताला आपके इलम में अमल में और ज्यादा वुस्सा डाले आज अगेन आप वसल्लम की सीरत हो तो कैसे कह सकते हैं कि कोई नशे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आज हम दोबारा एक खूबसूरत नशस का आगाज करेंगे नहमदीला करीम अमाबादी बिस्मिल्लाम रौबी शराली सौधरी वसरली अमरीसानी कौली रौबी ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह मबारक अला व मुहमदिन वली मोहम्मद कमाबारब्राहिमा वाली इब्राहिमाद मजीद रबीर वत बिलखीर आमीन या आलमीन आज हम बहुत खूबसूरत एक हदीस पढ़ेंगे और एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन जिसको हम भूल चुके हैं और बहुत दफ़ा हम उसको इम्पोर्टेंट समझते नहीं हैं आप वसल्लम ने मुनाफिक की तीन निशानियां बताई जब बात करे तो झूठ कहे जब वादा करे वादा खिलाफी करे जब इसके पास इमानत रखी जाए खयानत करे बुखारी की हदीस है एक और हदीस है जो मुसलमान अहद शिकनी और वादा खिलाफी करे इस पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है और इसका ना कोई फर्ज कबूल होगा और ना नफल वादा खिलाफी एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसको तो हम आजकल कुछ समझते ही नहीं है वादा खिलाफी है क्या वादा करते वक्त ही नियत हो कि मैं जो कह रहा हूं वो नहीं करूँगा ये वादा खिलाफी है और अगर हम देखें तो बहुत सी आम रूटीन की बातों में बहुत सी आम रूटीन की चीजों में हम वादा खिलाफी कर देते हैं इवन अगर बच्चे को मैं कहूँ कि बेटा आप ये काम कर लो इसके बाद मैं आपको टॉफी दूंगी तो मैंने एक उससे अहद कर लिया लेकिन काम करने के बाद मैं ये कह दूं कि मैं मजाक कर रही थी या मैंने तो इसलिए कहा था कि आप काम कर लो तो ये भी वादा खिलाफी है अगर कोई मुझे अपने घर आने की दावत दे रहा है लेकिन हम कहते हैं कि दिल रखने के लिए हम कह देते हैं जी हम आएंगे लेकिन हमारे दिल में नियत होती है कि हम नहीं जा सकते या हमने जाना ही नहीं है और हमने इकरार कर लिया कि हम आएंगे और फिर हम नहीं गए ये वादा खिलाफी है ये छोटी छोटी फॉर्म्स की वो वादा खिलाफियां हैं जो हम अनकॉन्शियसली आजकल करते हैं जैसे कि आजकल हम अनकॉन्शियसली झूठ बोलते हैं बगैर किसी रीजन के बगैर किसी वजह के झूठ बोलना हमारी फितरत में शामिल हो गया इसी तरह बगैर किसी रीजन के वादा खिलाफी करना हमने अपना लिया ये वो छोटे छोटे गुनाह हैं जो हमारी नफ्सों को हमारी रूहों को इतना पलूटेड कर देते हैं कि फिर हमें बड़े बड़े गुनाह जो हैं वो बड़े लगते ही नहीं है एक छोटा सा ब्लॉक हो तो उसी पे दूसरा ब्लॉक रख के एक पूरी बिल्डिंग तामीर की जा सकती है एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट आएगी तभी एक इमारत बनेगी इसी तरह एक छोटे गुनाह के ऊपर एक और छोटा गुनाह और फिर एक और छोटा गुनाह जब आता जाएगा तो हमारा नफ्स पल्यूट होता जाएगा और दिल पे इतने धब्बे पड़ते जाएंगे कि खुदा खासता एक वक्त आएगा कि दिल ही काला हो जाएगा और जब दिल ही काला हो जाए तो क्या ईमान असर करेगा क्या अल्लाह का कलाम असर करेगा और क्या ही सही और गलत की तफरीक होगी सीरतुल नबी अलैहि वसल्लम का सफर अपना सेल्फ एनालिसिस का सफर सफर है जब इस सफर में ने गौरव फिक्र करना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह मुझे माफ करे बहुत सी बातों में मैं तो झूठ बोल देती हूं। बच्चों को बहलाने के लिए किसी को वैसे ही उसको माइंड करने के लिए मैं तो झूठ बोल देती हूँ मैं तो लोगों से वादा खिलाफी भी कर देती हूँ मैं तो उन्हें ये भी कह देती हूँ कि मैं आपके घर में आऊंगी और मुझे पता होता है कि मैं नहीं जा सकती और बेसिकली फिर मैंने देखा कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इसका आउटकम क्या निकल रहा है इसका आउटकम तो कुछ नहीं निकल रहा सिर्फ सिवाय इसके कि मुझे गुनाह मिल रहा है और गुनाह पे गुनाह पे गुनाह की तह लगती जा रही है और जो आमाल जो टूटे पूटे आमाल मैं करने की कोशिश भी कर रही हूं वो जाया हो रहे हैं हमने अपने छोटे छोटे गुनाहों को अपने अंदर से निकालना है ताकि हमारे दिल पे जो सयाही के नुकते लगते जा रहे हैं वो हटते जाए आज से हमने अहद करना है कि हमने वादा खिलाफी नहीं करनी हमने झूठ नहीं बोलना हमने साफ साफ अपने मुसलमान बहन भाई को अपनी वजह बता देनी है अपनी रीजन बता देनी है और अगर वो भी नरम दिल वाला हुआ और वो भी समझने वाला हुआ तो वो हमें अप्रीशिएट करेगा इस बात पे कि हमने झूठ नहीं बोला हमने झूठा लारा नहीं लगाया बल्कि सही तरीके से उसको इन्फॉर्म कर दिया है आज जो हम पढ़ेंगे बड़ा ही खूबसूरत किस्सा है उमराह हुदैबिया ये ज़िकदा छह हिजरी में पेश आया मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम को ख्वाब दिखलाया गया कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम और आपके सहाबा अमन के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुए और सरों को मुंडवाया और कसर कराया आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने सहाबा रजीला ताला अनहु को इसकी इतिला दी और यह बतलाया कि आप उमरे का इरादा रखते हैं गिरदो में जो ऐराब थे इनमें भी रवानगी का ऐलान कर दिया मगर इन्होंने ताखीर की इनका ख्याल था कि रसूल और मोमिन वापस अपने घर कभी ना आ सकेंगे मगर बाद में उजर ये तराशा हमें हमारे अम्बाल और औलाद ने मशगूल कर रखा था लिहाजा हमारे लिए दुआए मफरत कर दीजिए ये जुमला जो है ना ये रूह को झंझोड़ देता है और गौर करिएगा कर जरा इस जुमले पे हमें हमारे अम्बाल और औलाद ने मशहूल कर रखा था आज जब मैं अपने इर्द गिर्द नजर दोहराती हूँ और अपनी ज़ात को भी जब खुद देखती हूँ तो बहुत अरसे तक अपने माल और अपने औलाद में ऐसी उलझी रही कि ना खुदा के अहकाम का होश था ना अपना होश था ना आखिरत नजर आ रही थी ना ये पता चल रहा था कि मैं दुनिया में करने के आई हूँ मेरा मकसद हयात क्या है और ये आजकल की बात नहीं है कि जब दीन की तालीम के लिए कहा जाता है जब ये कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकले तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है नाइनटी परसेंट लोगों का कि हमारे बच्चे हैं हमें उनकी लुक आफ्टर करनी है हमें उन्हें खाना देना है हमें उन्हें पिलाना है घर की जिम्मेदारी है और टेन फीसेंट टेन परसेंट बल्कि आप तो ट्वेंटी थर्टी परसेंट कह दें वर्किंग लेडीज का कि हम जॉब पे जाते हैं अल्लाह हम माल कमाते रहेंगे हमारी औलाद बड़ी हो जाएगी इन जवान हो जाएगी अल्लाह ने चाह शादी हो जाएगी सेटल भी हो जाएंगे लेकिन जिस दिन हम इस जहाने फानी से रुखसत हो जाएंगे सही बताइए क्या हमारे कुछ काम आएगा ये माल और औलाद जिसने हमें अपने चुंगल में इतना फंसाया हुआ है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता यकीन जाने उस दिन ये ही माल अल्लाह ना करे हमारे गलों में सांप की तरह लिपटा होगा और यही औलाद हमारा गिरेबान पकड़ पकड़ के हमें बता रही होगी कि आपको तब पता था कि अल्लाह कौन है अल्लाह का रसूल कौन है कुरान के अहकाम क्या है आपने मुझे क्यों नहीं बताया हमें जागने की जरूरत है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ये बहुत अमल देखा गया है कि हम खुद अमल करने की कोशिश नहीं करते खुद तालीम हासिल करने की कोशिश नहीं करते लेकिन दूसरों को जरूर कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो जरूर दुआ कीजिए हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं हम एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं हम दुआ जरूर करेंगे लेकिन खुद भी अमल करना है क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी भी जहन्नुम बरोज पीर यकम जिकदा छह हिजरी को चौदह सौ महाजरीन और इंसार के साथ मदीने से रवाना हुए और अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी ले लिए ताकि लोगों को मालूम हो कि आप जंग के लिए नहीं बल्कि उमरे के लिए जा रहे हैं आप सलम ने जब लिए तो करनी आपका पूरा इरादा उम्र का हैफा है। पहुंचकर जानवरों को कलावे पहनाए और हान चीर कर निशान बनाया और उमरे का एहराम बांधा उम्र का एहराम किस जगह पे बांधा गया जुल खुलफा फिर आप सल असलम ने सफर जारी रखा असफान पहुंचे तो आपके जासूस ने आकर इतला दी कि कुरैश जंग का और मुसलमानों को बैतुल्ला से रोकने का तहिया किए बैठे हैं असफान के मकाम पर आपको इतला मिली कि कुरैश जो है वो जंग के लिए तैयार हैं और आपको उम्र नहीं करने देंगे इस्लाम आने से पहले डिफरेंट मजाहब के लोग मक्का आते थे काबे का तवाफ करते थे और ये बहुत पुराना रिचुअल था और कभी किसी को मना नहीं किया गया था ये वो मौका है जहाँ पे मुसलमानों को खुला कहा गया कि हम आपको उम्र नहीं करने देंगे और जंग के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं उन्होंने जीतुआ पर पराव डाल रखा था और खालिद बिन वलीद को 200 सवारों के साथ असफान के करीब पुराया गमीम में भेज दिया था ताकि वो मक्का आने वाला रास्ता बंद रखें नेज अपनी मदद के लिए अहावीश को भी जमा कर लिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने मशवरा किया कि क्या करें ये अहावीश जो जमा हुए हैं इनके घरों पर हल्ला बोल दें या सीधे बेतुललाह का कसद करें और जो रोके इससे लड़ें हजरत अबू बकर صدیق رضی اللہ تعالی ने कहा हम उमरा करने के लिए आए हैं लड़ने के लिए नहीं आए लिहाजा जो हमारे और बैतुल्ला के दरमियान हायल हो इससे लड़े अलैहि वसल्लम ने ये राय कबूल की आप अलैहि वसल्लम कभी भी जंग करना नहीं चाहते थे आप अलैहि वसल्लम हमेशा से अमन का पैगाम देते थे और जितना पॉसिबल होता था जंग से दूर रहते थे हज़रत तो हम जवाबन जरूर लड़ेंगे लेकिन हम लड़ने के लिए नहीं आए तो हम हमला नहीं करेंगे उधर खालिद बिन वलीद ने ज़ोहर की नमाज में मुसलमानों को रकू और सजदा करते देखा तो कहा ये लोग गाफिल थे हमने हमला किया होता तो इन्हें मार लिया होता फिर तय किया कि असर की नमाज के दौरान में हमला करेंगे लेकिन अल्लाह ने जोहर और असर के दरम्यान सलाते हालत जंग की मखसूस नमाज का हुक्म नाजिल कर दिया और खालिद के हाथ से मौका जाता रहा बहुत इम्पोर्टेंट नुकता है सब लोग नोट कर लीजिए कि सलाते खौफ का हुक्म किस मौके पे पेश आया जब आप वसल्लम और सहाबा कराम उमरे के लिए मक्का जा रहे थे रास्ते में सलाते हुक्म आया फिर वसल्लम ने इस रास्ते को छोड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मक्का से नीचे दहाने हाथ चल कर सनेतल मारार पहुंच गए जहां से हुदैबिया में उतरते हैं वहां पहुंचकर आपकी उठनी बैठ गई और लोगों ने डांटा भी तो ना उठी जानवर थी ऊनी थी आप सल्ह की उठनी थी वो बैठ गई और ये क्या साइन था अल्लाह सुबहान तला की तरफ से साइन था कि रुक जाइए यहाँ पे लोगों ने डांटा लोग ना समझ पाए लोगों ने कहा कस्बा अड़ गई है आप वसल्लम ने फरमाया कस्बा अड़ी नहीं है और ना ये इसकी आदत है लेकिन इसे इस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था हाथियों को किसने रोक दिया था सुरफी जो आप सबको पता होगा जब हाथी को मक्का की तरफ लेके जाया जा रहा था बैतुल्ला की तरफ लेके जाया जा रहा था कि वो उस पर चढ़ाई कर दे तो वो रुक गया था आगे नहीं जा रहा था किसने रोका हर चीज के बनाने वाले अल्लाह ने और यहाँ कस्बा को किसने रोका अल्लाह सुबहानो ताला ने फिर आप सल अलाम वाले वाले ने फरमाया अल्लाह की कसम ये लोग मुझसे किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा ना करेंगे जिसमें अल्लाह की हुरमतों की ताज़ीम कर रहे हो मगर मैं इसे जरूर तस्लीम कर लूंगा अमल का नुकता हम सबके साथ मिलके रहेंगे हम सबके साथ मोहब्बत से रहेंगे लेकिन अगर कोई अल्लाह की शरीय को अल्लाह के अहकाम को तोड़ेगा तब हम उससे तस्लीम नहीं करेंगे बल्कि उसके सामने डट कर खड़े हो जाएंगे इसके बाद आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने को डांटा तो वो उछल कर खड़ी हो गई फिर आपने आगे बढ़कर में पड़ाव डाल दिया इसके बाद बदील बिन वरका खजाई खजाया की एक जमात के साथ आया ये लोग अलैहि वसल्लम के खैर खात इसने बताया कि कुरैश आपसे जंग करने और आपको बैतुल्ला से रोकने का तहिया किए बैठे हैं आप अलैहि ने इसे बताया हम महज उमरे के लिए आए हैं लड़ाई के लिए नहीं नेज़ कि हम सुला के लिए तैयार हैं लेकिन अगर कुरैश ने लड़ाई ही पर इसरार किया तो हम इस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा तन सर से जुदा ना हो जाए या अल्लाह का हुक्म नाफिज ना हो जाए मुसलमान डरता नहीं है मुसलमान कभी नहीं डरता बल्कि हमेशा डट के मुकाबला करता है सुलह की मुकम्मल कोशिश करता है कि सुलह से बात बन जाए कोई गलत कदम ना उठाना पड़े किसी का हक ना मारा जाए किसी को तकलीफ ना हो लेकिन जब बात अल्लाह की और अल्लाह के दीन की आ जाए फिर डट के खड़ा हो जाता है बदील से वापस जाकर कुरैश को ये बात सुनाई तो उन्होंने मकरज़ बिन हफ्स को भेजा रसुल्ला ने इससे भी वही बात कही जब बदील से कही इसके बाद अक्रमा को भेजा जब वो नमोदार हुआ तो रसुल्ला ने सहाबा कराम से फरमाया ये शख्स ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो कर्बानी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो आप वसल्लम की एक सिर्फ जो हमने बहुत दफा देखी कि आप वाली बहुत अटेंटिव लीडर थे और हर बंदे को उस तरह डील करते थे जैसे के बात उसको समझ आए हमारे लिए अमल का नुकता क्या है जिस बंदे से बात कर रहे हैं पहले देखिए कि उसका मेंटल लेवल क्या है उसको बात किस तरीके से समझ आएगी फिर उसे उस तरीके से तरगीब की जाए उन्हें कहा कि ये जो बंदा आया है ये कुर्बानी के जानवरों का एहतराम करता है तो कुर्बानी के जानवरों को सामने रख दे क्या होगा ठीक है वो एक अपना माइंड फ्रेम लेकर आया है लेकिन जब कुर्बानी के जानवर देखेगा तो ठंडा पड़ जाएगा सहाबा रजी अल्लाह तलाने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लबे पुकारते हुए इसका इस्ते किया इसने ये कैफियत देखी तो कहा सुबह इन लोगों को बैतुल्ला से रोकना हरगिज़ मुनासिब नहीं भला ये क्या के, और जुजाम और के लोग तो हज करें और अब्दुल का बेटा बैतुल्ला से रोक दिया जाए बैतुल्ला के रब की कसम कुरैश बर्बाद हुए ये लोग उमरा करने आए हैं कुरैश ने ये बात सुनी तो कहा कि बैठ जाओ तुम आराबी हो तुम्हें चालबाजियों का इल्म नहीं इसके बाद कुरैश ने उर्वा बिन मसूद अगर आपने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या आपने पहले किसी अरब के मुतालिक सुना है कि इसने अपनी ही कौम का सफाया कर दिया हो और अगर दूसरी सूरत पेश आई यानी आपको शिकस्त हुई तो मैं आपके ऐसे उबाश लोगों को देख रहा हूं जो इसी लायक हैं कि आपको छोड़कर कर भाग जाए कैसी बातें कर रहा है कैसे आप सल्लल्लाहु वसल्लम को डराने की कोशिश कर रहा है धमकाने की कोशिश कर रहा है इस पे हजरत अबू बकर रजीला उन्होंने उर्वा को लात के हवाले से जलील करते हुए कहा क्या हम हजूर वसल्लम को छोड़कर भागेंगे

शोभा रजीला उर्वा के भतीजे थे कुछ लोगों को कत्ल करके इनके इनका माल ले लिया था और आकर मुसलमान हो गए थे वाले वाले ने इनका कर लिया था, लेकिन माल से की थी उर्वाद कर रहा था वाकई की तरफ इशारा किया था इस मौके पर उर्वा ने सहाबा का राम रजीला तला की तरफ से नबी सलम की तजीम का जो मंजर देखा तो वापस जाकर कुरैश से कहने लगा कौम वल्ला मैं कैसर और कसरा और नजाशी ऐसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ वल्लाह मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि इसके साथी इसकी इतनी ताजीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं वल्लाह आर भी थूकते थे तो किसी ना किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था और वो शख्स इसे अपने चेहरे और जिसम पर मल लेता था और जब वो हुक्म देते थे तो इसकी बजा आवरी के लिए सब दौड़े पड़ते थे और जब वजू करते थे तो मालूम होता था कि इनके वज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे और जब कोई बात करते थे तो सब अपनी आवाजें पस्त कर लेते थे और फरते ताजीम के सबब इन्हें भरपूर नजर से देखते ना थे उन्होंने तुम पर एक अच्छी तजवीज पेश की है लिहाजा इसे कबूल कर लो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम कितनी इम्पोर्टेंट है हमें इससे पता चलेगा और जब ये पढ़ें तो अपने आप पे गौर करें कि क्या आज जब आप सल्लल्लाहु का मुबारक किया जाता है क्या मेरी जुबान शरीफ से तर हो जाती है क्या आप को सोचते हुए, उनका करते हुए, मेरा दिल जो है उनसे मिलने की उनकी मुलाकात की चाहत करता है क्या मैं सुन्नत को अपनाती हूँ और अपनाते हुए उसको अपने ऊपर भारी समझती हूँ या इस खुशी से अपनाती हूँ की ये मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इसी सिलसिला गुफ्तु के दौरान कुरैश के सत्तर या अस्सी पुरजोश नौजवान हंगामा आरई के लिए रात की तारीखी में खामोशी के साथ जबले तीन से उतर कर मुसलमानों के कैंप में घुस आए मकसद ये था कि सुलह की गुफ, गुफ्तु नाकाम हो जाए लेकिन मुसलमानों ने इन सब को गिरफ्तार कर लिया फिर उसम ने उन्हें माफ करते हुए छोड़ दिया यह है शान मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सलम की माफ़ कर देना इससे एक तरफ तो कुरैश के दिलों पर खासा रोब तारी हुआ दूसरी तरफ इनके अंदर सुलह का रुझान और बढ़ गया इसी सिलसिले में अल्लाह ने ये आयत उतारी वही है जिसने बतने मक्का में इनके हाथ तुमसे रोके और तुम्हारे हाथ इनसे रोके इसके बाद कि तुम को इन पर काबू दे चुका था अब रसूल सलम ने तय किया कि कुरैश के पास एक सफी रवाना करें हम अभी तक देख रहे हैं कि आप रहा है बार -बार और आप वाले 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 उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि हम उमरे की गर्ज से आए हैं हमने जंग नहीं करनी लेकिन कुरैश की हर धर्मी कि इतनी दफा बताने के बावजूद भी वो जंग के लिए तैयार है और वो आप अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को बैतुल्ला का तवाफ नहीं करना करने दे रहे इसलिए अब आप सलम ने एक सफी रवाना किया अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जो उन्हें यकीनी तौर पर बतलाए कि आप उमरे ही के लिए तशरीफ लाए हैं चुनाचे आपने हजरत उस्मान बिन नफान रजी तला को रवाना फरमाया और उन्हें यह भी हुक्म दिया कि वो मक्के के कमजोर मोमिन मर्दों और औरतों के पास जाकर उन्हें करीब ही फतेह की बिशारत सुना दें और ये बतला दें कि अल्लाह अपने दीन को मक्के में जाहिर और करने वाला है यहाँ तक कि किसी को ईमान छुपाने की जरूरत ना होगी तमाम मुसलमानों को तमाम मोमिनों के दिल पे मरहम रखने वाले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्म ने एक सफी रवाना किए और सफ़ीर का नाम था हजरत उस्मान बिन अफान रजीला तफी के तौर पर गए कि मैं बात करूंगा मैं रिप्रेजेंट करूंगा और साथ ही कहा जो मक्के में मजलूम मुसलमान हैं जो वहां रह गए हैं जो किसी बिना पर मदीने नहीं आए हैं उनको ये बता दीजिए कि हम जल्द ही मक्के पे गालिब आ जाएंगे आज मुश्किल हालात भी हों हर रोज एक मुश्किल आपका ताकुब किए बैठी हो लेकिन जब ये पता हो कि मेरी नजर आकरत पे है मेरी नजर जन्नत पे है मुझे ये नहीं पता कि आज का दिन या कल का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और जाना तो सबको ही है बस मुझे अपनी तैयारी करनी है तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगती तो हजरत उस्मान ताला अबान बिन सईद अम्बी की पनाह में मके के अंदर दाखिल हुए और पैगाम पहुंचाया कुरैश ने पेशकश की कि बेतुल्ला का तवाफ कर ले मगर उन्होंने इस हालत में तवाफ करने से इनकार कर दिया कि रसुल्ला को रोक रखा गया हो अल्लाह अकबर आप सल्लाम की शान और आपके सहाबा रजी तला की शान उन्हें ऑफर की कि आप तवाफ़ कर लें उन्होंने कहा कैसे कर लूँ फिर रसूल सल्ला ने तवाफ नहीं किया ये होती है एक जमात फिर कुरैश ने हजरत ऊस्मान रजी तन को रोक लिया लियाबन वो चाहते थे कि बाहम मशवरा कर लें फिर जवाब समेत इन्हें रवाना करेंगे मगर इनकी तखीर से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है क्यों रोक लिया गया था ताकि वो मशवरा कर लें कि हमने क्या करना है लेकिन उनकी तखीर की वजह से क्या लगा मुसलमानों के? के उन्हें कत्ल कर दिया गया है चूंकि कासिद को तो कत्ल करने के मानी ऐलान जंग है इसीलिए रसूल सल्हस ने यह बात सुनी तो फरमाया हम इस जगह से टल नहीं सकते यहाँ तक कि इन लोगों से मारका आरई ना कर लें अभी तो आप सल्ला मुसल कोशिश कर रहे थे कि सुलह हो जाए पूरी कोशिश में लगे रहे थे लेकिन जब उस्मान ताला अनो का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने मक्का भेजा और वो वापस ना आए। इतनी देर में जो वाले को लगा कि उनके सहाबी को कत्ल कर दिया गया है और रिप्रेजेंटेटिव का कत्ल ऐसे है कि जंग का ऐलान फिर आप वसल्लम ने कहा कि हम इस जगह से टल नहीं सकते अब कोई रास्ता नहीं है अब हम जंग करेंगे फिर आपने एक दरख्त के नीचे सहाबा ताला अन्हों को जंग पर बैत करने की दावत दी। टूट और बड़ी गर्म जोशी के साथ मौत पर और मैदान से ना भागने पर बैत की रसुल्ला सलम ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़कर फरमाया ये उस्मान का हाथ है अल्लाह की राह में निकले हुए एक एक बंदे का क्रेडिट अल्लाह उसको देगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रेडिट ना मिले हो सकता है आम पे एक शख्स हो लीडर हर चीज का लीडर एक होता है वो मंजरे आम पे होता है लेकिन बैक फुट पे जो लोग काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह आप सलम ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ कर फरमायास्मान का हाथ है लेकिन जब बैत मुकमल हो चुकी तो हजरत ऊस्मान रजील तहो भी आ गए अल्लाह ने इस बैत की फजिलत में ये आयत नाजिल की से राजी हुआ जब वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे और यहीं से इसका नाम बैत रिजवान पड़ गया अल्लाह सैदना बरा बिन आजिब रजी तला से रिवायत है उन्होंने फरमाया तुम लोग तो फतेह से मुराद फतेह मक्का लेते हो यकीनन फतेह मक्का भी फतेह है मगर हम तो बेहतर रिजवान को फतेह समझते हैं जो हुदैबिया के दिन हुई हुआ ये कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सौ आदमी थे हुदैबिया एक कुआं था अब ये याद रखिएगा कि हुदैबिया क्या है हुदैबिया एक कुआं था जिसका पानी हमने इतना खेचा कि इसमें कतरा ना छोड़ा यह खबर नबी सलम को पहुंची तो आप कुएं पर तशरीफ लाए और इसके किनारे बैठ एक बर्तन में पानी मंगवाया इससे आप ने किया फिर कुल्ली की और दुआ फरमाई फिर वो पानी कुएं में डाल दिया हमने इस कुएं को थोड़ी देर तक के लिए यूं ही रहने दिया फिर इसने हमारी चाहत के मुताबिक हमें और हमारी सवारियों को खूब शेर किया खंडक में भी हमने देखा कि अल्लाह सुबहान ने बहुत से मोजात दिखाए ऐसे मोजात जिनको देख कर लोगों को यकीन हो जाता था कि आप ही के रसूल हैं और ये एक मोजा है जबैबिया के कुरैश ने इस बैत का हाल सुना तो इन पर जबरदस्त रोब तारी हो गया अब सलाह देबिया की शरात बयान की जा रही है रसुल्ला साल मक्का में दाखिल हुए बगैर मुसलमानों के साथ वापस जाएंगे अगले साल मक्का आएंगे और तीन रोज कायाम करेंगे इनके पास कोई हथियार ना होगा सिर्फ मयान के अंदर तलवारें होंगी अभी जब आप इनकी शरात सुनेंगे ना तो जरा गौर से सुनिएगा तमाम शर्तें ऐसी हैं जिनसे ये फील हो रहा है कि मुसलमान हार रहे हैं और मुसलमान कॉम्प्रोमाइज करें लेकिन बाद में आपको हिमत अमली पता चलेगी कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं था क्या कह रहे हैं कि अभी आप आए हैं लेकिन हम आपको उम्र नहीं करने देंगे आप वापस जाएंगे। आप अगले साल आएंगे और अगले साल आएंगे तो तीन दिन क्याम करेंगे इससे ज्यादा नहीं करेंगे कोई हथियार साथ ना लाएंगे सिर्फ तलवार लाएंगे जो मयान के अंदर रहेंगी फ्री में दस साल के लिए जंग बंद रहेगी दोनों फ्री कैन उनमें दस साल तक जंग नहीं होगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है और जो कुरैश के अहद में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है कुरैश का जो आदमी मुसलमानों की पनाह में जाएगा मुसलमान इसे कुरैश के हवाले कर देंगे कितना इन्होंने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग भी कर लिया कुरैश का जो आदमी मुसलमानों के पास जाएगा वो उसको वापस कर देंगे लेकिन मुसलमानों का जो आदमी कुरैश की पनाह में आएगा कुरैश इसे वापस ना करेंगे इसके बाद आपने हजरत अली रजी अल्लाह तक बुलाया और इमला कराया हजरत अली रज़ी तला को बुलाया और कहा कि लिखिए बिस्मान सोहेल ने कहा हम नहीं जानते रहमान क्या है आप बिस्म लिखे रसूल सलम ने इन्हें ये ही लिखने का हुक्म दिया जरा हट दरमी देखिए कुरैश मक्का की हर बात में ऑब्जेक्ट करे जब बंदा हर बात में अपनी मनवाए किसी बात में कॉम्प्रोमाइज ना करे तो इसका मकसद क्या होता है कि वो लड़ने के लिए पूरा तैयार है वो लड़ना चाहता है लेकिन आप ले ले वसल्लम का किरदार देखिए कितने कूल माइंडेड थे कितने ना लड़ने वाले इंसान थे कि उन्होंने कहा ठीक है ये मत लिखो आप सलम ने कराया। ये वो बात है जिसपे मोहम्मद ने मसलेहत की इस पर सुहेल ने कहा, अगर हम जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर हम ना तो आपको बैतुल्ला से रोकते और ना आपसे जंग करते आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए अल्लाह हठ धर्म कौन थी कह रहे हैं अगर हम ये मानते कि आप अल्लाह के रसूल पर जंग करने के जवाब कहता आप लिखवाइए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ अगरचे तुम लोग झुटलाओ फिर हजरत अली रजी तला को हुक्म दिया कि इसे मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखे बहुत दफा सवाल किया जा रहा है मुझसे कि कॉम्प्रोमाइज कितना करना चाहिए और ये बहुत कॉमन सवाल है जो हमारे जहनों में आता है जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं सबर भी कर रहे होते हैं कोशिश भी कर रहे होते हैं लेकिन एक टाइम लगता है कि यार मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन आ गई है तो कितना कॉम्प्रोमाइज करें हर हर स्टेप पे देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एक लीडर हैं जिनके साथ वो सहाबी हैं कि अगर एक आवाज देंगे तो वो लड़ जाएंगे कुरैश मक्का को मार देंगे और हो सकता था हो सकता है हंड्रेड परसेंट वो फते याब होते हैं लेकिन आप सल्ला तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इसीलिए हर कॉम्प्रोमाइज जो हम कर रहे हैं वो भी कम है फिर हजरत अली रजी हुक्म दिया कि इसे मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें लेकिन हजरत अली रजी तन ने मिटाना गवारा ना किया लिहाजा रसूल सल वसलम ने खुद अपने दस्ते में मुबारक से मिटाया सहाबा को तकलीफ हो रही है कि मैं क्यों मिटाऊ वो फील कर रहे हैं और आप सल अलाम का जर्फ कितना बड़ा है उनका दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से मिटाया फिर पूरी दस्तावेज के दो नुस्खे लिखे गए एक नुस्खा कुरैश के लिए और एक नुस्खा मुसलमानों के लिए सुल्ह अभी लिखा ही जा रहा था कि कुरैश के नुमाइंदे सुहेल बिन अमर के साहबजादे अबू जंदल बेड़ियां घसीटते हुए पहुंचे सुहेल ने इनकी वापसी का मुतालबा किया अबू जंदल सुहेल बिन अमर के बेटे थे और मक्का में उनको कैद किया हुआ था वो फरार होके मुसलमानों के पास पहुंचे तो उन्होंने जब उन्हें देखा तो उन्होंने कहा ये तो मुआदा हो चुका है अब आपको वापस करना पड़ेगा इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी नोशा मुकम्मल नहीं हुआ सुहेल ने कहा तब मैं आपसे सलाह ही नहीं करता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ तो एकदम से क्योंकि वो लड़ने की एक नीयत से आए हुए थे उन्होंने कहा कि मैं आपसे सुलह ही नहीं करता अच्छा तुम इसको मेरी खातिर छोड़ दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने कहा ये भी नहीं हो सकता पूरी लड़ने की प्लानिंग और पूरी ऐसी बातें कि आम बंदे को सुनकर गुस्सा आ जाए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब्त देखिए और उनका पेशेंस चेक करिए फिर सोहेल ने अबू जंदल को मारा अबू जंदल ने चीख कर कहा मुसलमानों क्या मैं मुश्किन की तरफ वापस किया जाऊंगा वो मुझे मेरे दीन से फितने में डालें रसूल वाले ने फरमाया फरमायाबर करो और से सवाब समझो अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे अलावा जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं इन सब के लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा हजरत उमर बिन खताब रजी तन ने अबू जंदल का को भड़काया कि वो अपने बाप सुहेल को कत्ल कर दे मगर उन्होंने ऐसा ना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस कर दिया कहा जाता है अबू जंदल गए वहां पे वापस उन्हें मक्का लेके जाया गया फिर उन से भागे फिर सल्लल्लाहु अलैहि के पास आए फिर उन्हें वापस किया गया और फिर कहा जाता है कि जब उनके वापस किया गया कि उनके वालिद जो थे वो इतने जालिम थे कि वो एक बंदे को मुकरर करते थे कि इसको इतना मारो कि ये इस दीन से फिर जाए कहते हैं जो बंदा होता था वो इतना मारता था इतना मारता था कि उनकी चीखें निकल आती थी तो वो कहता था कि तुम क्यों इतनी मार खा रहे हो फिर जो नदीन से तो वो कहते थे कि मैं अल्लाह की खातिर खा रहा हूँ तो मैं बताऊं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम को बड़ी खूबसूरती से बयान करते है और कहा जाता है कि उनके इस रवैये की वजह से बहुत से लोग मुसलमान हो गए कौन से लोग जो आपको मारने के लिए तकलीफ पहुंचाने के लिए मुन किए गए इस्लाम इतनी आराम से तो नहीं फैलेगा कुछ अपना आप देना पड़ेगा कुछ मार खानी पड़ेगी कुछ तोहमतें सहनी पड़ेंगी लेकिन हकीकी ईमान हकीकी बात दिल में तो जाएगी तब जब हम खुद कुछ मुश्किलें कुछ मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे वरना तो सिर्फ बातें हैं अबू जंदल ने कैसे इस्लाम को फैलाया और अल्लाह सुबहानो त किसी की तकलीफ को जाया नहीं करता इस बात को तो बड़ा बड़ा अपने दिल की तख्तियों पे लिख लें अगर आप आज किसी तकलीफ में मुब्तला है ना अल्लाह सुबहान आपको जाया नहीं करेगा और अगर दीन के लिए है अल्लाह सुबहान बेहतरीन नजर देने वाला है उनकी तकलीफ के बदले अल्लाह सुबहान उनके हाथ से कितने लोगों को मुसलमान किया रसूल सल्लाह लिखवा कर फारिग हो चुके तो सहाबा का राम रजील तरमाया उठो और अपने अपने जानवर कुर्बान कर दो तर्ज अमल हम पढ़ चुके हैं कि वो आप वसलम पे जान छिड़कते थे।, थे तो पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ अल्लाह पर आप सलम फरमा रहे हैं उठो और अपने जानवर कुर्बान कर दो मगर कोई ना उठा हत्या आप सल्लाह वसलम ने ये बात तीन बार कही मगर कोई ना उठा आप उमे सलमा रजील तलाह के पास गए और इनसे इसका जिक्र किया उन्होंने मशवरा दिया कि आप उठकर अपना जानवर जबा कर दें और अपना सर मुंडवा लें और किसी से कोई बात ना करें हर जगह आप उमहतुल मोमिनीन का रोल चेक करें हमने शुरू में पढ़ा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई थी और आप भागे भागे हजरत खतीजा के पास आए थे और उन्होंने कहा था जम में लूनी जम में लूनी मुझे कम्बल लुराओ मुझे कम्बल लुराओ तो कैसे हज़रत खतीजा ने उन्हें तसली दी थी कि आप मत घबराएं आप सला रहमी करने वाले हैं आप लोगों का ख्याल करते हैं आप अच्छे हैं आपसे अल्लाह ताल बुरा सलूक नहीं करेगा हजरत उमे सलमा रजी अल्लाह तला का किरदार चेक करें वो सहाबी

ये कि ये अभी जरा दुखी हैं कि ये उमरा नहीं कर सके दूसरी बात है शराय जो है वो हमने कुरैश मक्का की मांग ली है और प्रोमिनेंटली ये नजर आ रहा है जाहिररी तौर पर यह नजर आ रहा है कि हमने उनके से कॉम्प्रोमाइज किया है ये दुखी है आप इनको छोड़ दें लेकिन आप अपना जानवर कुर्बान कर लें ये है ताकत एक मुसलमान औरत की अगर खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता कोई ऐसी औरत होती जो फसाद पर्दा बर्पा करने वाली होती हाँ ये तो आपकी बात नहीं मान ले आप इनको निकाल दें या आप इनको ये कर दें ये काम नहीं है एक मुसलमान औरत का आप उमे सलमा रजी तय और उनसे इसका जिक्र किया उन्होंने मशवरा दिया कि आप उठकर अपना जानवर ज़बा कर लें और अपना सर मंडवा लें और किसी से कोई बात ना करें आपने यही किया और को जलाने भुनाने के लिए अबू जहल का एक ऊंट भी जबा किया जिसकी नाक में चांदी का एक हल्का था आप को देख कर सहाबा ने भी अपने अपने जानवर जबा कर दिए और अपने सर मुंडा लिए मगर गम के सबब इनकी कैफियत ये थी कि लगता था कि एक दूसरे को कतल कर देंगे इस मौके पर गाय और ऊंट सात सात आदमियों की तरफ से किए गए साहबा क़राम ताला अन्हों के गम की दो थी नोट करिएगा कि वजह क्या थी एक ये कि वो उम्र किए बगैर वापस हो रहे थे आप जब किसी काम के लिए जा रहे होते हैं ना स्पेशली जब अल्लाह के घर जिन लोगों को एक्सपीरियंस है जा रहे हो किसी वजह के वज़, किसी वजह से ना जा सके तो दिल पे बड़ा गरां गुजरता है और अजीब से हर बात तो उनकी मानी गई थी क्योंकि तय यह हुआ कि मुसलमानों के पास कोई आए तो इसे मुसलमान वापस कर देंगे लेकिन कुरैश के पास कोई जाए तो इसे कुरैश वापस ना करेंगे रसूल अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहली वजह के मुतलक मुतम किया हम अगले साल उनके लेंगे लिहाजा ख्वाब सच्चा है और सुलह की इस दफा में मुसलमानों के जज्बात की रियायत की गई है और दूसरी वजह के ये कहकर मुतमिन किया कि हमारा जो आदमी इनके पास चला गया अल्लाह ने इसे दूर कर दिया और इनका जो आदमी हमारे पास आएगा अल्लाह इसके लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा आपकी ये बात बहुत दूर अंदेशी पर मबनी थी क्योंकि मुसलमानों की एक जमात अभी तक हबशा में थी और इन पर सूलह लागू नहीं हुई थी लिहाजा मक्के के कैदियों के लिए इनके पास पनाह लेनी मुमकिन थी लेकिन बाहिर सुरह कुरैश के हक में थी आप सल्लल्लाहु सल्लाम दूर अंदेश थे वो बात को समझने वाले और समझ के फैसला करने वाले थे जाहरी तौर पर तो लग रहा था कि मुसलमान अगर आएंगे मदीना लौट के तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा लेकिन एक जमात थी जो हबशा में मुकीम थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जब ये हो जाएगा मुआदा तो अगर वो मदीना नहीं आ सकते तो वो हबशा जा सकते हैं और पनाह ले सकते हैं इस मुसलमानों के एहसास पर इस गहरा असर हुआ यहाँ तक कि हजर उमर बिन खताब रजीला तला ने खिदमत नबी में आकर कहा ए अल्लाह के रसूल क्या हम लोग हक पर और वो लोग बातिल पर नहीं है आप सल्लाम ने फरमाया बला क्यों नहीं उन्होंने कहा क्या हमारे मकतुलीन जन्नत में और उनके मकतुलीन जहन्नुम में नहीं आप बारे में दबाव कबूल करें और ऐसी हालत में कि अभी अल्लाह ने हमारे और इनके दरम्यान फैसला नहीं किया है आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया खताब के साहबजादे मैं अल्लाह का रसूल हूँ इसकी नाफरमानी नहीं कर सकता वो मेरी मदद करेगा और मुझे जाया और मुझे हरगिज आया ना करेगा बहुत बड़ी पॉइंट कि अल्लाह का रसूल भी जो है वो अल्लाह के हुक्म से पीछे नहीं जा सकता उन्होंने वैसे एक्शन करने हैं जो अल्लाह सुबहान दिए हैं तो हम कैसे किसी की भी बात को अल्लाह की बात पर फोकिया दे सकते हैं सबसे पहले अल्लाह सुबहान तला का हुक्म फिर आप सलम की सुनते और उसके बाद बाकी लोग इसके बाद हज़रत उमर गुस्से से भरे हुए रजी ताला के पास आए। और इनसे भी वही कहा, कहा था और उन्होंने भी वही जवाब दिया, दिया था फिर मजीद कहा आप सलम की रकाब थामे रहो यहाँ तक के तुम्हारी मौत आ जाए क्योंकि वल्ला आप हक पर हैं इसके बाद अल्लाह ताला ने इसके बाद अल्लाह ताला ने इन ना तबीना की आयात नाजिल की जिनमें इस सुलह को फतेह मुबीन करार दिया गया और रसुल्ला ने हज़रत उमर को बुलाया और पढ़कर सुनाया वो कहने लगे यार रसूल ये फतेह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम हाँ इससे इनके दिल को सुकून हो गया और वो वापस चले गए बाद में हजरत उमर रजील तहो को अपनी इस तकसीर पर सख्त नदामत हुई और इसकी तलाफी के लिए उन्होंने बहुत से अमाल किए बराबर सदका और खैरात किया रोजे रखे नमाज पढ़ी और गुलाम आजाद किए यहां तक के खैर की उम्मीद बंदी सुलह मुकम्मल हो चुकी थी और लोगों ने एहराम खोल दिए तो कुछ औरतें आ गई। इनके काफिर सरपरस्तों ने नबी सबा किया, किया जाए मगर आप सलील की बिना पर वापस करने से इनकार किया कि औरतें मददे में शामिल नहीं है उधर अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल फरमा दिया एल इमान जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो इनका इम्तिहान लो अल्लाह इनके ईमान को बेहतर जानता है बस अगर मोमिना जानो तो कुफार की तरफ ना पलटाओ ना वो कुफार के लिए हलाल है ना कुफार इनके लिए हलाल है अलबत् इनके काफिर शोहरों ने जो मेहर उनको दिए थे इसे वापस दे दो और फिर तुम पर कोई हर्ज नहीं कि इनसे निकाह कर लो जबकि उन्हें इनके मेहर अदा करो और काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रखो क्लियर क्लियर अहकाम आ गए कि मोमिन औरतें मशरक मर्दों से शादी नहीं कर सकती मोमिन मर्द मशरक औरतों से शादी नहीं कर सकते और अगर कोई आ गई है कोई ऐसी औरत आ गई है हिजरत करके जो कहती है मैं ईमान लाई तो क्या करो पहले उसके ईमान का इम्तिहान लो जो ईमान लाने वाली औरतों को खुफार पर और काफिर औरतों को और मोमिन पर हराम कर दिया गया इसके बाद रसुल्ला हिजरत करके आने वाली औरतों का इम्तिहान इस आयत की रोशनी में लेते ए जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें आए और इस बात पर बैत करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करेंगी ये की सूरत में लिखी है। हमारे लिए भी चेक पॉइंट है नंबर वन क्या है इस बात पर बैत करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी चोरी ना करेंगी जना ना करेंगी अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी अपने हाथ पांव के दरमियान से कोई बोहतान घर कर ना लाएंगी और किसी मारूफ बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी तो इनसे बैत ले लो और इनके लिए अल्लाह से मफरत की दुआ करो यकीन अल्लाह रहीम है अल्लाह चोरी सिर्फ हाथों की नहीं होती चोरी बात की भी होती है आंखों की भी होती है जना जना सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन नहीं होता जना हाथ भी करते हैं आंखें भी करती हैं कदम भी करते हैं ईबत करना, बहतान दकाना झूठ बोलना ये तमाम बातें और हजूर पाक सल्लल्लाहु वसल्लम की किसी मारूफ बात की नाफरमानी नहीं करेंगे ये बात तो मुश्किन औरतों की हो रही थी जो मोमिना हुई थी अगर हम चेक करें तो हमारे हालात क्या हैं चुनाचे जो औरत इन शराय का इकरार करती इनसे आप से फरमाते मैंने तुमसे बैत ले ली सिर्फ जुबान से कहते मुसाफहा ना फरमाते और फिर इसे कुफार को वापस ना करते नेज मुसलमानों ने अपनी काफिरा बीवियों को तलाक दे दी और मुसलमान औरतों को इनके काफिर शोहरों से अलहदा कर दिया आप सल्लाम जो हमारे आखिरी नबी आखिरी रसूल थे औरतों से बैत कैसे लेते सिर्फ जबान से हाथ ना मिलाते हाथ के ऊपर हाथ ना रखते तो आज जो बाबा बने हुए हैं पीर बने हुए हैं फकीर बने हुए हैं जो औरतों से बैत ले रहे हैं तो किस बिना पे और दूसरी बात है कि हमें कल होनी चाहिए हमें अपनी डिग्निटी अपनी इज्जत को हमें प्रोटेक्ट करना है हम कैसे एक महरम के हाथ में अपना हाथ दे सकते हैं कोई भी ऐसा काम अगर आपसे करवाता है या आपको इसकी तरफ ले जाता है तो ये सरासर गुना है बनु खुजा ने पसंद किया कि वो इस माहे में रसुल्लाहद में दाखिल हो गए ये लोग जमाना जहालियत से बनो हाशिम के हलीफ चले आ रहे थे जबकि इनके हरीफ बनु बकर कुरैश के अहद में दाखिल हो गए और वही फतेह मक्का का सबब बने जैसा के हम आगे पढ़ेंगे रहे वो मुसलमान जो मक्के में तहजीब का शिकार थे तो इनमें से अबू बसीर रजील तनों नामी एक साहब छूट कर मदीना भाग गए रैश ने इनकी वापसी के लिए नबी सल्लल्लाहु वसल्लम के पास दो आदमी भेजे आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने इन्हें वापस कर दिया जुल हलेफा पहुंचकर अबू बसीर को एक को कत्ल कर दिया और दूसरा भाग कर सईदना नबी वसल्लम के पास आया और कहने लगा मेरा साथी कत्ल कर दिया गया है और बस मैं भी कत्ल ही कर किया जाने वाला हूँ इतने में अबू बसीर आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा तो समझ गए फिर वापस किया जाऊंगा लिहाजा वो साहिल समंदर पर जा रहे उधर अबू जंदल भी छूटकर अबू बसीर से आन मिले इनके बाद कुरैश का जो आदमी भी इस्लाम लाकर भागता वो अबू बसीर से जा मिलता यहाँ तक के इनकी एक जमात इकट्ठी हो गई इसके बाद कुरैश का जो काफिला भी मुल्क शाम जाता इससे ये लोग जरूर छेड़छाड़ करते इस पर हमला करते इनका माल छीन लेते इसने तंग आकर कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का और कुराबत का वास्ता दिया कि इन्हें मदीना बुला लें अब जो भी आपके पास आएगा महफूज रहेगा चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना बुला भेजा और आगे और आ गए और मुश्किल हल हो गई ये माहिदा था कि कोई भी अगर मुसलमान मक्का से छूट मदीना आता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा तो क्या हुआ अबू बसीर जो थे बसीर ताला वो छूट के मक्का मदीना आए उन्हें वापस कर दिया दोबारा वो भागे जब मक्का आए तो उन्हें डांटा और वापस भेजा देखिए जरा साहबा का ईमान उन्होंने बुरा तो नहीं मनाया उन्हें पता था कि मुआदा हुआ है वो गए रास्ते में उन्होंने एक को कतल किया और एक साइड पे जाके सा के करीब उन्होंने वहां पर अपना बसेरा डालिया अबू जंदल जिनका जिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं वो भी जाके उनके साथ बस गए फिर जो भी मक्का से भागता वो उनके साथ जुड़ता जाता और एक ग्रोह बन गया शाम से जो काफिला वहां से गुजर आता वो उसको छेड़छाड़ करते उनसे माल लूट लेते तो कुरैश मक्का ने ही रिक्वेस्ट की कि आप उन्हें मदीना बुला ले हम आपसे वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे जब अल्लाह के फैसलों पर डटे रहते हैं अल्लाह सुबहान तला खुद ही आसानी कर देता है इस्लामी दावत की रफ्तार पर इस सुलह का बड़ा असर हुआ मुसलमानों को आम अरबों से मिलने और इन्हें अल्लाह की दावत देने का मौका मिला चुनाचे लोग बकसरत इस्लाम में दाखिल हुए और सिर्फ दो साल में मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई कि उन्नीस बरसों में नहीं हुई थी अल्लाह अकबर ये है फतेह मुबीन अकाबिर कुरैश जो कुरैश का निचोड़ और इतर थे जो मेन मेन लोग थे जो रिच थे जो मेन कुरैश के लोग थे यानी अमर बिन आस खालिद बिन वली उस्मान बिन तलहा अपनी रुगबत और मर्जी से रसूलुल्लाह की शहादत देते हुए खिदमत नबी में हाजिर हुए इस्लाम पर बैत की और इसकी राह में जानो माल और और कुदरत सब कुछ सर्व करने का वादा किया जब ये लोग खिदमत नबी में हाजिर हुए तो रसुल्लाम ने फरमाया मक्का ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया है अल्लाह बदर जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि बहुत से इम्पोर्टेंट सरदार बदर के कत्ल कर दिए गए थे लेकिन बहुत कम सरदार बचे थे कौन से सरदार बचे थे ये सरदार जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल करना था खालिद बिन वलीद का नाम अगर आप सुने तो आपने दो जगे पीछे पड़ी हैं जिनमें खालिद बिन वलीद मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत प्रोमिनटली खड़े हुए थे और लड़ रहे थे लेकिन अल्लाह सुबहाना ने उन्हें मुसलमान करना था उन्होंने मुसलमानों का साथ देना था दिल में खैर रखिए जिंदगी में हमारे प्यारों में से अगर कोई इस्लाम की राह से अल्लाह की राह से दूर हो गया है बिल्कुल मायूस ना हो हुई उसके लिए दिल से दुआ कीजिए अल्लाह सुबहान जिंदगी के किसी मोड़ पे उसको जरूर बलटाएगा ये था खूबसूरत आज की नशस्त को मुकमल किया। मैं करती हूँ आपने अपने लिए बहुत से अमल के मोती लिए होंगे अल्लाह सुबहान हमारे किरदारों को ऐसा कर दे कि हम मुसलमान कहलाने के लायक तो बन जाए अल्लाह सुबह झूठ गावत बुगस बोहतान ह शिकनी इन सब बीमारियों से हमें निजात दिलाए अल्लाह हमारा किरदार हमारे अकबाल हमारे अकवाल ऐसे कर दें कि हम उमत मोहम्मदिया कहलाने के लायक बने अल्लाह सुबहान तला पढ़ाने में जो मुझसे गलती हुई उससे माँ फरमाए मेरी पकड़ना फरमाए आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल रखेगा इन अल्लाह सुबहान तला हम सब के लिए आसानियाँ करे سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد